तो हेलो दोस्तों, लेके आ गए आपके लिए एक और नया वीडियो। और आज रिव्यू करने वाले हैं अपनी ओक्समिथ गोल्ड का। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी ओक्समिथ गोल्ड का रिव्यू करने के लिए, तो ओक्समिथ गोल्ड लेके आ गए हैं आपके लिए, आज इसका रिव्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को पहले दबाइए, फिर वीडियो को लाइक कीजिए और फिर हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इसके प्राइस, एबीवी और इसकी हिस्ट्री की तरफ। और बात कर ली जाए दोस्तों इसकी एबीवी, प्राइस और हिस्ट्री की, तो एबीवी इसका है, जैसा कि मैक्सिमम विस्कीज में होता है, 42.8%। प्राइस इसका है, यूपी से मैंने ली है, 510 रुपये की मुझे मिली है। हाफ़ है ये 375 ml की बॉटल, और फुल आपको मिल जाएगी 1000 रुपीज़ की। और बात करी जाए अब इसकी हिस्ट्री की, तो ये आती है हमारे भीम संटोरी ग्रुप की तरफ से, जो कि लेकर इंडस्ट्री में बहुत ही जाना माना नाम है और बहुत ही पुरानी कंपनी है ये, 18 सेंचुरीज़ की कंपनी है ये, और जैपनीज़ कंपनी है। और इनकी तरफ से आपको बहुत ही फेमस लिकर्स मिलते हैं इंडिया के अंदर खासकर, जैसा कि टीचर्स सबने पी होगी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया स्कॉच है। जिम बीम बर्बन विस्की बहुत अच्छी है, मेकर्स मार्क जिम बीम का बड़ा भाई कह सकते हैं उसे आप। और अगर आप जैपनीज विस्की की इंडिया में बात करेंगे तो भीम सेंटोरी वालों की सेंटोरी टोकी, हिबिकी, यामाजाकी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्कॉच है, आकाशी, ये सब जो है सब आपके इनकी तरफ से आते हैं। लेफ्रॉयग आपका इनकी तरफ से आता है। और ओक्समिथ की अगर आप बात करेंगे तो ओक्समिथ आपकी इंडिया में 2 वेरियंट में अवेलेबल है। एक इससे नीचे आता है जो है ओक्समिथ इंटरनेशनल, जो कि कंपीट करता है रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज 700-800 वाले बजट में। और ये है ओक्समिथ गोल्ड, ये आती है 1000 रुपीज़ की, और ये कंपीट करती है आपके ब्लेंडर प्राइड, स्टार वॉकर, सिग्नेचर, इन सब के कॉम्पिटिशन में या इन सब के सेगमेंट में ये कॉम्पीट करती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए करते हैं इसकी ओपनिंग और करते हैं इसकी नोजिंग एंड टेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों फिर कर लेते हैं इसकी ओपनिंग और करते हैं इसकी नोजिंग एंड टेस्टिंग। तो बॉटल को इधर रख लेते हैं। और बात करी जाए इसके बॉक्स की, तो बॉक्स इसका ऑलमोस्ट रॉयल स्टैग जैसा ही है, और ये बॉटल बड़ी प्यारी है इसकी, इसको नीचे रख देते हैं। और बॉटल ये देखिए इसकी थोड़ी सी पीछे से फ्लैट है और आगे से इस पर ऐसा डायमंड शेप का डिज़ाइन बना हुआ है। ये पी चुका हूँ मैं थोड़ी, और कर लेते हैं ओपनिंग। और हमेशा की तरह ले लेते हैं 30 ml। और कर लेते हैं गिलास में से पोर। कैप कर लेते हैं इसकी बंद, करते हैं इसकी नोजिंग। एल्कोहल का इतना पंच नहीं है इसमें, यानी ज़्यादा हिट नहीं करेगी शायद ये। अरोमा इसका थोड़ा थोड़ा फ्रूटी है और स्मोकीनेस काफ़ी है इसमें। थोड़ी थोड़ी सी इसमें से अच्छे मॉल्ट्स और आपका बढ़िया स्कॉच इसमें हो सकता है, ऐसा फ्लेवर इसका आ रहा है, थोड़ा थोड़ा स्कॉच सा फ्लेवर आ रहा है इसमें से। स्मोकीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसा कि ये आपकी भीम संटोरी ग्रुप से आती है और उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी विस्कीज़ और उनके स्कॉच में बहुत अच्छी स्मोकीनेस होती है। तो चलिए फिर इसकी कर लेते हैं टेस्टिंग। हार्शनेस इसमें है, सिप के साथ ही हार्शनेस फील हुई है, और वार्मनेस भी इसमें काफ़ी है। स्मोकीनेस बहुत अच्छी है, कड़वाहट बहुत कम है, ये बहुत अच्छी बात है। विस्की में कड़वाहट कम हो, बहुत कम विस्की में ऐसा होता है, इसमें ऐसा है। और हार्शनेस है इसमें, पीने के साथ आपको
एक तीखा सा जैसे स्पाइसीनेस कहते हैं वो फील हो रहा है, और वार्मनेस भी है अंदर जाने के साथ, काफ़ी वार्म लग रहा है। स्मोकीनेस बहुत अच्छी है। बढ़िया विस्की है। आप अगर चाहें इसे तो नीट भी पी सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ नीट लेने के लिए बिल्कुल भी, मैं खुद भी नहीं पीता हूँ, सिर्फ टेस्टिंग के लिए नीट पीता हूँ, वरना नहीं। चलिए फिर पानी के साथ बाकी की टेस्टिंग कर लेते हैं, और थोड़ा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि 30 ml लिया था हमने। पानी के साथ कर लेते हैं। अगर आप पहले नीट ले रहे हैं फिर पानी के साथ ले रहे हैं तो बहुत ही लाइट लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हल्की हल्की जो हार्शनेस और स्पाइसीनेस है वो अभी भी इसमें मौजूद है पानी मिलाने के बाद भी, लेकिन टेस्ट इसका जो है नीट के कंपैरिजन लाइट हो गया है। थोड़ी थोड़ी फ्रूटीनेस की साइड पे ही है, जैसा कि नॉर्मल विस्कीज में कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ी फ्रूटीनेस की साइड पे। और बाकी विस्की बढ़िया है, अगर आपने ट्राई नहीं करी है तो ट्राई कीजिए। और अब चलते हैं अपने फाइनल ऑन द रॉक्स टेस्ट की तरफ। चलिए दोस्तों फिर कर लेते हैं अपना ऑन द रॉक्स टेस्ट, और उसके लिए इसको कर लेते हैं फ्लिप और ले लेते हैं 60 ml ऑफ विस्की। कैप लगा लेते हैं और शो कर लेते हैं इसमें शिफ्ट, और 4 और 3 स्मॉल साइज आइज हैं तो 4 भी ले सकते हैं, और नॉर्मल है तो आप 3 भी ले सकते हैं। हीट आइज है, ये पकड़ नहीं आ रही। थोड़ा सा करिए शेक ताकि थोड़ी सी आइस मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा क्रिस्प आ जाता है ना तो मज़ा आ जाता है। जब तक ये थोड़ी सी मेल्ट हो रही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई सजेशन हो, कोई रिव्यू करवाना हो आपको किसी विस्की का तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। हार्शनेस बहुत ज़्यादा फील हुई है, कड़वाहट भी फील हो रही है, अगर आप थोड़ा सा मोटा सिप ले लेते हैं तो कड़वाहट फील होगी। वैसे ऑन द रॉक्स लेने वाली विस्की नहीं है ये, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हार्ड साइड पे है, ये हिट करेगी ज़्यादा। नोजिंग में नहीं लग रहा था, एल्कोहल का पंच इतना नहीं लग रहा था, लेकिन पीने के बाद आपको काफ़ी हिट करेगी है। अगर आप 3-4 पैग ले लेते हैं 60 ml वाले तो काफ़ी हिट कर देगी, सेट कर देगी मामला। सिप के साथ ही ना ये एक फ्लेवर अपना कड़वाहट की तरफ ज़्यादा छोड़ के जा रही है, और हार्शनेस काफ़ी है इसमें। पीने के साथ ही आपको एक तीखी सी ऐसा पैलेट पे लगेगा, आपकी टंग पे ऐसा फील होगा कि काफ़ी हार्श है ये। अच्छी विस्की है लेकिन ऑन द रॉक्स लेने के लायक नहीं है, और पानी के साथ लीजिए ज़्यादा अच्छा है, नीट तो भूल ही जाइए, बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। पहली कमी स्मोकीनेस हद से ज़्यादा है, दूसरी कमी कड़वाहट नॉर्मल है, कड़वाहट को तो मैं कमी नहीं कहूँगा, वो तो हर विस्की में होती है, बल्कि और विस्की से कंपैरिजन में कम है इसमें, लेकिन स्मोकीनेस हद से ज़्यादा है और आपकी हीट बहुत ज़्यादा कर रही है ये विस्की। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको वाटर, सोडा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ लीजिए, और कम लिमिट में लीजिए, यानी कम विस्की कंज्यूम कीजिए, अराउंड 150 ml के अराउंड कंज्यूम कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हीट करेगी। और अगर आपको स्मोकीनेस बहुत पसंद है,
आपको हार्ड विस्कीज़ बहुत पसंद है तो ये विस्की आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप इसके 3 पैग ले लेते हैं 60 ml के ऑन द रॉक्स, तो ये आपको नॉर्मल विस्की के कंपैरिजन में 5 पैग के बराबर टेढ़ा कर देगी, बल्ले बल्ले करा देगी। तो सोच समझ के पीजिए साहब, कम पीजिए तो अच्छा है, ज़्यादा मत पीजिए।